ओ बहुत बढ़िया। हेलो दोस्तों, तो भाई दोस्तों आज पतंग उड़ाने आए हैं, ठीक है। और भाई देखो, पतंग उड़ाने आया ना, मैंने वहाँ से देखा यार ये बच्चों ने ना यार मेरी पतंग वहाँ पे गिर दी है बड़ी वाली। तो भाई देखते हैं आज इसको कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। और आपको बताता भी हूँ अगर किसी और की भी ऐसे आके गिर जाए पतंग तो कैसे निकाल सकते हैं। बच्चे ये उड़ा रहे होंगे भाई ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी पतंग है, मैं इसे लेके नहीं जाता तो घर वाले चिल्लाते हैं भाई इसे नीचे लेके जाता हूँ, तो इसलिए मैं यहीं रखता हूँ भाई। ऊपर ये उड़ा रहे होंगे, इनके हाथ से टूट गई वो, देखो डोर वहाँ पर पड़ी है। अब दिखाता हूँ मैं आपको लंगड़ कैसे मारने वाला हूँ इसमें। ये देखो वो वाली पतंग बड़ी वाली काली। तो दोस्तों भाई इसके अंदर है ना मैंने एक चीज़ रख रखी है, आपको दिखाता हूँ भाई निकाल के। ये देखो ये क्या है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये टेप भी रखी पड़ी है, चलो लेके चलते हैं दोनों चीज़ों को। बताता हूँ कैसे निकालने वाला हूँ आज मैं इस वाली पतंग को भाई। ये देखो इसके अंदर है भाई कील, कील उसकी मदद से आज इस पतंग को निकालेंगे। बहुत सारी कील है इसमें अलग अलग उसकी साइज़ की, इससे भी निकाल के ट्राई कर सकते हैं, इससे बाद में ट्राई करेंगे अगर इनसे नहीं आई तो, ठीक है। पहले इससे करके देखते हैं। ये देखो ये गंदी सी हो रही है थोड़ी, चलो लेते हैं इन्हें कीलों को और इधर से निकालते हैं सद्दी बैग में से भाई। सद्दी निकालते हैं, ये रही सद्दी अपनी, ये सद्दी तोड़ी भाई। अब इनको इसमें बांधेंगे, ये देखो ये एक ऐसे करेंगे, एक करेंगे ऐसे, ठीक है, एक फिर दोबारा ऐसे और फिर एक ऐसे और एक ये वाली रहने देता हूँ उसकी टोपी नहीं है, फिर एक ऐसे फिर एक ऐसे, ये भाई इतनी काफ़ी रहेंगी जहाँ तक है, ठीक है। अब भाई इनको थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे ऐसे करके ऐसे, ये भाई ऊपर नीचे करी थोड़ी बहुत मैंने, ठीक है। अब भाई इसको बांध देंगे इससे, ये देखो बिल्कुल सीधी करके नहीं बांधनी है भाई, अगर सीधी करके बांधेंगे तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे आने के, और बिल्कुल कस के बांधना भाई निकल ना जाए, ठीक है, निकलने का भी डर हो सकता है भाई, तो इसलिए बहुत कस के बांधना है। ये देखो ऐसे जैसे मैं बांध रहा हूँ ना बिल्कुल कस के ऐसे ही बांधना, और टेढ़ी मेढ़ी रखनी है थोड़ी क्योंकि सीधे ना हो भाई। ये नई ट्रिक सीखी है मैंने, और देखते हैं भाई इससे आ पाई क्या नहीं हमारी पतंग। भाई बहुत ज़्यादा टाइट करके बांध रहा हूँ जो कि ये बिल्कुल भी ढीला ना हो जाए, अगर ढीला हो गया तो ये सारी हमारी कीलों का नुकसान हो जाएगा। और भाई ये कील तो आमतौर पर हर किसी के घर पर मिल ही जाती है ज़्यादातर, ये देखूँ। और भाई अगर किसी पड़ोसी वड़ोसी की छत पर हो ना तो ही मानना, अगर कोई ज़्यादा दूर पतंग पड़ी हो तो इससे ट्राई मत करना, तुम्हारी कीलें वेस्ट हो जाएंगी, लंगड़ वेस्ट हो जाएंगी, सर्दी वेस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। चलो दोस्तों भाई आप फेंकते हैं, ठीक है, इसको खोल लेता हूँ पहले थोड़ा सा वरना ये हाथ में ही लग के टूट जाएगा। ये पकड़िए, ये बन गया हमारा लंगड़, और चलो भाई फेंकते हैं ऐसे करके इसको, थोड़ी ऊपर नीचे और कर लेता हूँ भाई। अब तो हिली नहीं रही इसमें से, बिल्कुल भी नहीं हिल रही यार, इतनी ज़्यादा टाइट हो गई। चलो बहुत बढ़िया, अरे लकड़ी नहीं लानी भाई मेरे, हाँ हाँ हाँ। और ये देखो भाई थोड़ा सा ही लाएंगे, झटके देंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से ये मेरे ख्याल फंस चुका है। अब बस पतंग खींचने का टाइम है। ये देखो भाई पतंग फंस चुकी है इसके अंदर, अब ओए हो फंस के भी निकल गई यार। दोस्तों भाई अब मैंने क्या करा है, ये देखो ये जो इधर वाली है इनको इधर निकाल दिया, ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। अब ये देखो, और जो उधर वाली है उनको उधर भेज दूंगा, ठीक है, ऐसे करके। अब कुछ कुछ ऐसा बन गया है भाई ये, ठीक है। अब फेंक रहे हैं भाई दोबारा से, भाई थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ इस बार यार, मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ, शायद इसी वजह से नहीं आ पा रही है। हल्का हल्का धीरे धीरे खींचते हैं आपकी बार, और क्या पता आ जाए, मैं कुछ ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ था। और ये देखो भाई अब की बार शायद हो सकता आ जाए भाई, अटक गया वो अब की बार, इसको हम पर हेम आ जाए, हल्का सा मैंने टेढ़ा करा उसको और अभी निकल जाए यार। अब यार तार ने अपने ऐसे कम तैसी करा ली यार, शिट, मुझे थोड़ा इधर को जाना पड़ेगा यार, इधर पानी हुआ पड़ा है, थोड़ा इधर को जाना पड़ेगा वरना तार है ना ये ऐसे कम तैसी कराता रहेगा, पूरी पतंग आने वाली थी यार, तार नहीं होता ना तो वो सकता इधर से आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तरीके से फंस चुका है। अब की बार तार में मत जाए यार, इसे भी तार ही कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। और भाई ये हमारी पतंग आ चुकी है, ठीक है। और ये देखो अब उठाते हैं इसे पूरी को, और ये भाई हमारी पतंग आ गई, और देख लो भाई कैसे फंसे मस्त तरीके से, ऐसे करके ऐसे फंस गया, और ये हमारी पतंग आ गई। और इसको उधर के लेके चलते हैं, उधर को निकालता हूँ यार इसे। और दोस्तों भाई हम कुछ कुछ ऐसे ही निकाल सकते हैं, अगर पतंग किसी और की आए अपनी भी गिर जाए ना भाई, गिर जाती है कई बार पतंग, ठीक है। मेरे से भी यार कल छूट गई थी एक पतंग ऐसे ही, तो मैंने दोस्तों ऐसे ही निकाली थी। अब देखो भाई ऐसे निकल गई, अब ये हमारी कीले बिल्कुल सेफ है, ये देखो इनको हम दोबारा भी काम में ले सकते हैं।
और भाई एक और तरीका बता देता हूँ मैं आपको पतंग कैसे निकाला जाए। तो भाई एक और तरीका है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है, ये मतलब कि हार्डवेयर वाली की दुकान पे मिल जाएगा इसको ऐसे करके ऐसे। दोस्तों भाई एक और तरीका बता रहा हूँ, ये देखो ये ले लेंगे हम, ठीक है, ये भाई ये हुक सा है, ये ऐसे करके ऐसे बांधूंगा जो कि इसमें से निकल के ना भग जाए हमारी सद्दी, ठीक है, कहीं फैसल रही हमारा लंगड़ी खुल के भग गया तो इसलिए बहुत अच्छी तरह इसमें बांध देंगे हम इसको भाई यहाँ पे ऐसे करके ऐसे। आपको ये वाली पतंग तो निकाल के बता दी मैंने कील से कैसे निकाल सकते हैं, अब ये वाली बताता हूँ, ये भी कील ही है, वो पता हो तो बताना। देखो इससे निकाल के देखते हैं, पहली बार निकाल रहा हूँ मैं इससे, देखते हैं सक्सेसफुल रहता है या नहीं, वो पड़ी हमारी पतंग, ठीक है, चलो फेंकते हैं इसको जल्दी से और निकाल के देखते हैं भाई आएगी या नहीं आएगी। इधर से ही फेंकता हूँ यार क्योंकि उधर से तो फिर तार अड़ेगा। तो भाई इसके साथ साथ ना मैं एक दो लंगड़ और बांध रहा हूँ, ये देखूँ किसी लंगड़ में तो फंसेगी यार वो पतंग, दो तीन लंगड़ बांध दिया अब मैंने इसमें। मैं ना एक काम करता हूँ भाई, एक कील और बांध देता हूँ ऐसी खाली सिंपली। तो भाई ये देखो इसमें कितना बवाल बांध दिया मैंने, ठीक है, अब देखते हैं भाई अब की बार आएगी या नहीं, फंसना ही चाहिए इस पतंग को वरना फिर और जुगाड़ लगाएंगे भाई कुछ, ठीक है, अगर ऐसे नहीं फंसी तो ये। अब भाई देखो अब फंस गया उसके अंदर ही, वो जो वाइट वाला था ना अपना उसके अंदर ही फंसी है भाई डोर इसकी, और ये देखो डोर नहीं मतलब कन्ने फंस चुके हैं, बस ये तार फिर से गड़बड़ी करेगा और हवा चल रही है तेज की और ये बस अब निकल ना जाए। तो मैं इसको ऐसे ही लटका के रखता हूँ अभी जब तक हवा चल रही है, हल्का सा इधर को निकालता हूँ भाई, निकल यार निकला, अब खींचते हैं, निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। देखो भाई ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है, ये देखो ये वाइट वाला कैसे फंसा है इसके अंदर, देख रहे हो, यही मैं करना चाह रहा था इतनी देर से मगर इतनी देर से हुआ नहीं है, बताऊँ क्यों, क्योंकि ये ना भाई सही से गिर नहीं पा रहा था उसके ऊपर। और भाई ये देखूँ ये पतंग आ चुके, और ये देखो अगर ऐसे मारेंगे ना ये सब बांध के तो आ सकती है भाई, ये कील बांधनी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसके साथ, जो कि इस उसमें ना अटके तो इसमें तो अटके ही अटके भाई, ठीक है, और ये हमारी पतंग आ चुकी है भाई। दोस्तों भाई अब हम इस वाली पतंग को निकालने वाले हैं, ठीक है, ये यार ये अटक चुकी है, और भाई देखते हैं इसे निकाले कैसे निकाल सकते हैं हम, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की हो जो अगर पेड़ में ऐसे चली जाए। देखो भाई ये पहले अपने तो आपको अपने को एक पतंग लेनी है, और पतंग होनी चाहिए भाई हमारी घूमने वाली, जितनी पतंग हमारी घूमने वाली रहेगी, बेशक चाहे तुम्हारी पतंग पूरी घूमने वाली है ना वो ले लो भाई, बहुत सही रहेगा, ठीक है। ये देखो मैंने ये वाली ली है फ़िलहाल के लिए, और भाई चलो इसे उड़ाता हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम, आज हवा उधर की है यार थोड़ी, मतलब कि हमें वो लगेगी मेहनत उतारने में क्योंकि हमें उधर उड़ा के पता है उधर लेके जानी पड़ेगी, ठीक है, चलो आपको दिखाता हूँ मैं इसे उड़ाते हैं पहले थोड़ी और फिर आपको मैं उधर ले जाकर दिखाता हूँ इसे कैसे ले जा सकते हैं और कैसे हम उतार सकते हैं। ये देखो भाई ये उधर उधर को ही लेके जानी है हमें, ओ झोंका मार रही है भाई, ये देखो, ठीक है, अभी इसे गिराएंगे हल्की हल्की गिराएंगे, पूरी नहीं गिराएंगे हल्की हल्की गिराएंगे और ऐसे ऐसे उधर उधर को ही गिराएंगे। ओए बच गई यार, हल्का हल्का सा बचा है, फिर गिराते हैं, अब की बार गिरा रहे हैं भाई, अब की बार हो सकता आ जाए मतलब इसकी डोर हाथ में लग जाए, रह गई यार, ओ बहुत बढ़िया, ये देखो, ओ भाई आ गई आ गई। और भाई ये देखो ये हमारी पतंग आ चुकी है, ठीक है, और भाई ये देखो ये वाली पतंग थी, ठीक है ना, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं भाई कोई सी पतंग हमारी अटके तो भाई ऐसे ही हम खींच सकते हैं उसे दूसरी पतंग से। ये बस पतंग घूमने वाली उनकी पतंग उड़ने लग गई भाई, चलो पतंग उड़ाते हैं हम भी और पेच वेच करते हैं देखते हैं। दोस्तों ये तो एकदम से लग के आ गई, मगर अगर ऐसे ना आए ना तो जैसे इसकी डोल लटक रही थी वहाँ पे, आप जाना उसके नीचे ऐसे ऐसे चक्कर देना, ठीक है, अपनी पतंग के थोड़ा उसमें लपेट लेना और फिर जब लपट जाएगी फिर हल्के हल्के खींचना, और भाई एकदम से मत खींचना क्योंकि तुम्हारी पतंग भी टूट के जा सकती है, और ट्राई करना कि उसकी डोर तुम्हारे पास आए, पतंग डायरेक्ट ना खींचे, ठीक है, डोर आएगी तो ठीक रहेगा, तुम्हारी पतंग बच जाएगी अगर डोर आएगी तो, ठीक है, वरना तुम्हारी पतंग जाने के चांसेस बन जाएंगे भाई।